पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी तलवार खिंची हुई है। राज्य में मचे घमासान के बीच विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी अचानक दिल्ली आए। दिल्ली में वे सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं की बातचीत में चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ भड़की हिंसा पर विस्तार से बातचीत हुई और भावनीपुर उपचुनाव में ममता बनर्जी को घेरने को लेकर खास बातचीत भी हुई। नंदीग्राम से चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी सीएम तो बन गई, लेकिन इस पद पर बने रहने के लिए उनको विधायक बनना जरूरी है। इसी वजह से ममता बनर्जी ने भावनीपुर के विधायक का इस्तीफा ले लिया ताकि वे वहां से चुनाव लड़ सके। बीजेपी इस मौके का फायदा उठाने में चूकने वाली नहीं है। उसकी पूरी कोशिश होगी कि भावनीपुर में भी ममता बनर्जी का हाल नंदीग्राम जैसा हो। दोनों नेताओं के बीच क्या योजनाएं बनी, इसका खुलासा तो नहीं हो पाया, लेकिन अमित शाह से मुलाकात के बाद सुवेंदु अधिकारी पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ही पूरी योजना पर अपनी मुहर लगाएंगे। सुवेंदु 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। अमित शाह से मुलाकात के बाद वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। सोमवार दोपहर अचानक सुवेंदु अधिकारी को दिल्ली तलब किया गया था, इसके बाद दिल्ली पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी टीएमसी और भाजपा के बीच विवाद बना हुआ है। विधानसभा चुनाव में सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को पराजित किया था। चक्रवाती तूफान ग्रास से हुए नुकसान की समीक्षा करने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल होने के बाद से राजनीति गरमाई हुई है। हाल ही में नौकरी के नाम पर जालसाजी के आरोप के तहत सुवेंदु के करीबी रखाल बेरा को गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही कांती थाने में दर्ज प्राथमिकी में सुवेंदु के भाई और नगर निकाय के प्रमुख सौमेंदु अधिकारी सहित 2 अन्य लोगों के नाम भी शामिल थे। ऐसा माना जा रहा है कि बंगाल में ममता सरकार लगातार सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ शिकंजा कस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।